हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज की इस वीडियो में लोग जो है मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हमको कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, सिलेबस को हम लोग देखते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। तो पहला इसमें जो इसको आपका जो है वैसे दो पार्ट में आपका बटा हुआ है। पहला आपका वेल्डिंग, तो अगर हम लोग वेल्डिंग की बात करें तो वेल्डिंग में आपको पढ़ना है, वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, विभिन्न प्रकार के वेल्डिंग प्रोसेस होते हैं, वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपके क्या आएंगे प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग, मतलब वेल्डिंग का क्या सिद्धांत होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, मतलब विभिन्न प्रकार की जो वेल्डिंग प्रोसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, उनके एडवांटेज के बारे में पढ़ना है, क्या उनके लाभ हैं, उनके लिमिटेशन के बारे में पढ़ना है, क्या उनकी सीमाएँ हैं, उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के बारे में जानना है, वेल्डिंग पोजीशंस के बारे में पढ़ना है और वेल्डिंग टेक्निक के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा हमको सिंबल के बारे में पढ़ना है और सेफ्टी प्रिकॉशंस इन वेल्डिंग, और वेल्डिंग में कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन यूज होते हैं इसके बारे में जानना है। दूसरा चैप्टर आपका है वेल्डिंग का ही है, दूसरा चैप्टर आपका है गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में मुख्य रूप से ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग के बारे में पढ़ना रहता है, और इसमें तीन टाइप के आपके फ्लेम होते हैं, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और कार्बोनाइजिंग फ्लेम, उस फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। और अगर हम लोग बात करें गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे गैस वेल्डिंग टार्च हो गया, जैसे आपका गैस वेल्डिंग टार्च आपका हो गया, ऑक्सीएसिटिलीन कटिंग टार्च हो गया, ब्लो पाइप हो गया, प्रेशर रेगुलेटर हो गया, फिलर रॉड एंड फ्लक्सेज हो गए, तो इन सब के बारे में जो है हम लोग गैस वेल्डिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। आगे बात करें हम लोग, थोड़ा सा आपका जो वर्कशॉप का सिलेबस है काफ़ी लेंदी है, और फिगर्स बनाने का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तब अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। मतलब इसमें फिगर बनाने का बहुत अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, फ्री हैंड फिगर बनाने का प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। तीसरा चैप्टर आपका है आर्क वेल्डिंग का, तो आर्क वेल्डिंग के बारे में बात करें तो हम लोग विभिन्न प्रकार के आर्क वेल्डिंग होते हैं, तो आर्क वेल्डिंग मशीन हो गया, उसके इक्विपमेंट हो गए, एसी और डीसी आर्क वेल्डिंग होता है, और आपका इफेक्ट ऑफ पोलरिटी, पोलरिटी क्या होता है, उसका प्रभाव क्या होगा, करंट रेगुलेशन एंड वोल्टेज रेगुलेशन, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन बीआईएस सर्टिफिकेशन एंड सिलेक्शन, फ्लक्स फॉर आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग के लिए कौन कौन से फ्लक्स यूज होते हैं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्री हीटिंग, पोस्ट हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड वर्क पीस, वेल्डिंग डिफेक्ट्स एंड देयर टेस्टिंग मेथड। वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आर्क वेल्डिंग वाला चैप्टर है ना, ये आपका यहाँ सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ कम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, जेई वगैरह के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है अदर वेल्डिंग प्रोसेस, इसमें जो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे मुख्य रूप से, ये भी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें प्रिंसिपल उसका हो गया, एडवांटेज हो गया, लिमिटेशंस हो गया, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, प्रीकुजन वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, वेल्डिंग डिस्टॉर्शन क्या होता है, वेल्डिंग डिफेक्ट क्या होते हैं, मेथड ऑफ कंट्रोलिंग वेल्डिंग डिफेक्ट्स, मतलब वेल्डिंग डिफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, और इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट्स, और वेल्डिंग ज्वाइंट्स का कैसे हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे, मतलब हमारा ज्वाइंट सही बना है कि नहीं बना है। उसके अलावा बाद वेल्डिंग डिफेक्ट एंड इंस्पेक्शन, दो बार हो गया है सेम चीज। अब बात करें अगला आपका है मॉडर्न वेल्डिंग मेथड। मॉडर्न वेल्डिंग मेथड में अगर हम लोग बात करें तो मॉडर्न वेल्डिंग मेथड में आपका जो नए अब यूज हो रहे हैं इनका मतलब यूज अभी उतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि थोड़े महंगे प्रोसेस भी आपके हैं, क्योंकि इन सब मशीनों का फीड कास्ट वगैरह ज़्यादा होता है। मेथड्स की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ टिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग का यूज होता है, अदर वेल्डिंग प्रोसेस, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, ये सब मतलब मॉडर्न वेल्डिंग प्रोसेस है, तो ये इन सब का यूज होता है आजकल जनरली मिग और टिक का यूज बहुत ज़्यादा होता है। और जो है इसके अलावा थर्मिट वेल्डिंग, रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए थर्मिट वेल्डिंग का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग और रोबोटिक वेल्डिंग, ये सब नए हैं, थोड़ा ज़्यादा नए हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग हो गया, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग हो गया, लेजर बीम वेल्डिंग हो गया और रोबोटिक वेल्डिंग हो गया। अब इसके बाद वाले जो है ना कास्टिंग के पार्ट, पैटर्न मेकिंग भी कास्टिंग के अंतर्गत ही आता है, कास्टिंग में ही पैटर्न का यूज करते हैं, तो इसमें पैटर्न मेकिंग एक चैप्टर दिया हुआ, टाइप्स ऑफ पैटर्न, पैटर्न क्या होता है, पैटर्न के प्रकार हो गए, पैटर्न का मटेरियल हो गया, पैटर्न के लिए अलाउंसेज कौन कौन से देते हैं, पैटर्न कोड्स
BIS के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन आप कोर्स कोर का कोर के बारे में परिचय, कोर क्या होता है आपका, कोर बॉक्स क्या होते हैं, कोर मटेरियल कौन कौन से होते हैं, कोर मेकिंग प्रोसेस आपका क्या होता है, और कोर प्रिंट्स क्या होते हैं, पोजिशनिंग ऑफ कोर्स मतलब कोर वगैरह के बारे में, ये भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ये जो आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है, पहले इसका हम लोगों के टाइम पे जब हम लोग स्टडी करते थे उस टाइम पे इस सब्जेक्ट का नाम हुआ करता था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है कंपटीशन SSC JEE वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेल्डिंग और कास्टिंग वाला टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। और हमने बता दिया ना फिगर बनाने पे ही नंबर मिलेगा, अगर आप फिगर अच्छे से बना लिए तो नंबर मिल जाएगा। हमको अपने टाइम पे उस समय 42 मार्क्स मिला हुआ था सेमेस्टर एग्जाम में, मतलब ईयरली एग्जाम होता था उस टाइम में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में 42 मार्क्स मिला हुआ था, क्योंकि फिगर बनाने आता था, तो फिगर अगर बनाने आएगा तो नंबर गेन कर पाएंगे। अगला है मोल्डिंग एंड कास्टिंग। मोल्डिंग एंड कास्टिंग की अगर हम लोग बात करें, इसमें मोल्डिंग सैंड के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के सैंड होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मोल्डिंग मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम लोग मोल्ड वगैरह बनाएंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका कास्टिंग प्रोसेस, कास्टिंग प्रोसेस आपका कैसे हम लोग जो है चीजों को बनाएंगे कास्टिंग प्रोसेस द्वारा, गेटिंग एंड राइजिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और जो है गेट और राइजर क्या होते हैं, और मेल्टिंग फर्नेस मतलब जिस फर्नेस में हम लोग मटेरियल को, कास्टिंग में होता क्या है, कास्टिंग में होता क्या है कि रॉ मटेरियल को पिघलाते हैं और एक सांचा रहता है, सांचे में क्या करते हैं उसको उड़ेल देते हैं, फिर वो क्या करता है सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिडिफाई होकर के वो फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाता है। देखिए जो आपका पहला वेल्डिंग वाला था, इसमें हम दो मटेरियल को जोड़ करके चीजों को बनाते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें लोग ढलैया करते हैं, इसमें लोग क्या करते हैं ढलैया, सिंपली कह सकते हैं ढलैया करते हैं, ढलाई करते हैं कास्टिंग का मतलब। इसके बाद आपका है मेटल फार्मिंग प्रोसेस, अगला तीसरा पार्ट कह सकते हैं मेटल फार्मिंग। देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है बेसिकली उसमें क्या होता है, एक हम लोग करते हैं मटेरियल को जोड़ते हैं, एक हम ढलैया वाला हो गया, इसमें क्या करते हैं मटेरियल को काट छांट करके उसको हम डिजायर शेप में कन्वर्ट करते हैं। इसमें क्या है आपका प्रेस वर्किंग है, आपका प्रेस वर्किंग है, आपका फोर्जिंग है, आपका रोलिंग है, आपका एक्सट्रूजन एंड ड्राइंग है, एक्सट्रूजन एंड ड्राइंग है। इसके बाद आपका प्लास्टिक प्रोसेसिंग है, मतलब पांच पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इसमें इंडस्ट्रियल यूज ऑफ प्लास्टिक, सिचुएशन वेयर यूज जहां पे यूज होता है, इंजेक्शन माउल्डिंग क्या होता है प्रिंसिपल, वर्किंग ऑफ इंजेक्शन माउल्डिंग मशीन, कंप्रेशन माउल्डिंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ कंप्रेशन माउल्डिंग मशीन, फिर पोटेंशियल एंड लिमिटेशन इन द यूज ऑफ प्लास्टिक। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें ना तो बहुत लेंदी है, अगर यहाँ पे हम लोग देखें प्लास्टिक में आपके ये इसको एक चैप्टर में दिया होगा तो एक चैप्टर आपका प्लास्टिक वाला ये हो गया, ये सब अलग अलग चैप्टर है, 2, 3, 4 चैप्टर हो गए, फिर ये 5 हो गया, फिर ये कास्टिंग रिपोर्ट 6 हो गया, फिर 7, 8, 9 चैप्टर हो गए, 9 के बाद 10, 11 हो गया, 11 के बाद 12, 13 हो गया, 13 इधर 4, 17 चैप्टर हैं, तो काफ़ी लेंदी है। तो टोटल आपको 17 चैप्टर पढ़ने हैं, कितने चैप्टर पढ़ने हैं 17 चैप्टर पढ़ने हैं, तो सिलेबस लेंदी है, और मेन आपको ध्यान देना फिगर याद करना है, फिगर बना बना के प्रैक्टिस करना है, अगर आपने फिगर के बारे में प्रैक्टिस कर लिया, क्योंकि जितना भी आंसर लिखना रहेगा एग्जाम में ना सब में मान के चलिए कहीं डिफेक्ट के बारे में आगे लिखने के लिए उसका भी फिगर बनाना पड़ेगा, तो मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको फिगर ही बनाना है, तो इस वजह से फिगर का प्रैक्टिस किए रहेंगे तो इसमें आप अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो से जो हम लोग चैप्टर 1 से ही इस सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।